अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू मामा जैद चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है आप सब लोग ठीक होंगे। तो चले आज मैं आपके लिए बना रही हूँ फिली चीज स्टेक, जो कि जिसके लिए ऑब्वियसली आपको बीफ चाहिए, जो कि मैंने अंडर कट लिया हुआ है। ये मेरे पास 1 पाउंड है, थोड़ा सा ज्यादा है 1 पाउंड से, तो इसके वेरी थिन थिन स्लाइसेज आपने करने हैं। तो चले रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सो आपने क्या किया, आपने बीफ या स्टेक जो भी ले रहे हैं उसके बिल्कुल थिन स्लाइस करने हैं। और उसके टिप आपको मैं थोड़ा सा ये दे दूं, आप तो एक तो खैर अपने मीट वाले से करवा सकते हैं, अदरवाइज आप इसे थोड़ी देर फ्रीजर में रख दें तो बहुत आसानी से, बिल्कुल फ्रीज ना करें, 1 घंटे के लिए फ्रीजर में रख दें ताकि ये जम जाए। और ये देखें, इसलिए आराम से ये इसके स्लाइसेस आ रहे हैं क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है अंदर से, अदरवाइज थोड़ा मुश्किल हो जाता है इसको मुझे काटना। तो चलें ये मैं काट लेती हूँ इसको इस तरह। और अगर आपके पास ये कोई अंडरकट या दूसरा इस तरह का मीट नहीं है जो कि आसानी से गलेगा, तो आपने इसमें मीट टेंडराइजर लाजमी लगाना है। इनको बहुत सॉफ्ट होना चाहिए इस मीट को उसके सैंडविच के लिए। चलिए आपने 4-5 प्याज ले लेने, और इसमें सबसे ज़्यादा प्याज ही जाने वाले हैं। और इनको आपने इस तरह जैसे आप ऑमलेट के लिए स्क्वायर काटते हैं उस तरह काट लेंगे। चले जी, प्याज कट गया है आपका। स्टोव को आपने ऑन किया, इसमें मैं तकरीबन 2 से 3 टेबलस्पून मेरा ऑयल जा रहा है। ऑयल मैंने थोड़ा सा ज्यादा इसलिए लिया कि ये कास्ट आयरन है तो ये स्टिक ना हो, तो इस वजह से मैंने थोड़ा सा ज्यादा लिया, वरना अगर आप नॉन स्टिकी में कर रहे हैं तो 1 टेबलस्पून भी इनफ होगा। तो ये ब्रेड में आप रेसिपी कल देख चुके होंगे, इसकी रेसिपी ये मैंने स्क्रैच से बनाई है, आप बाजार से भी खरीद सकते हैं, लेकिन फ्रेश ब्रेड की तो बात ही कुछ और है। तो मैं इसमें इस्तेमाल करूँगी। इसमें मैंने प्याज डाला और इसको हमने थोड़ा सा ब्राउन करना है, ट्रांसलूट नहीं करना, इनको थोड़ा सा हमने ब्राउन करना है, ऑलमोस्ट उस तरह जैसे कैरमलाइज करते हैं आप, उस कलर का हमने इसे करना है। तो इन्हें होने देंगे हम, और उसके साथ ही मैं 4-5 जोए जो हैं लहसुन के उनको क्रश कर लूँगी, काट लूँगी, चॉप कर लूँगी। मैंने यहाँ पे 2 टेबलस्पून बटर लिया है और 3 टेबलस्पून मेरे पास मेयो है, और इनको आप मिक्स कर लें रूम टेम्परेचर पे, कर लें उसको आप बटर को। और 2 मेरे पास गार्लिक के क्लोव हैं, ये मैं इसमें डालूँगी क्रश कर लूँ। और गार्लिक का नाम सुनते ही आपको पता है कि कोई सी भी सॉस हो वो बहुत टेस्टी हो जाती है। मिक्स कर लें, और ये आपका स्प्रेड और सॉस जो भी है उसके लिए ब्रेड के लिए बन गई है, कि मैं बहुत क्लासिक तरीके से बना रही हूँ, जैसे बहुत सिंपल है और इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। बहुत ज़्यादा चीज़ें जब आप डालेंगे तो इसका टेस्ट वो नहीं रहेगा जो क्लासिक का। तक ये हो रहे हैं ब्राउन, इसमें मैंने जो गार्लिक आपके सामने क्रश किया था वो भी इसमें डाल रही हूँ, चॉप किया था सॉरी। मैंने भी प्याज आपके देखें इस तरह से ब्राउन हो गए, अब मैंने इन्हें निकाल लेना है एक अलग प्लेट में। मैं ये डाल रही हूँ मीट, ऑयल इसके सेंटर में डाल रही हूँ क्योंकि पैन बड़ा है और उसमें ऑयल नहीं है तो वो स्टिक हो रहा है। तो कास्ट आयरन आपका ग्रीस है वरना वो स्टिक होगा। तो 1 मिनट इसको रहने दें तक, ये अच्छी तरह वहाँ से दूसरी तरफ से हो जाए। बाय द टाइम मैंने 2 टेबलस्पून पानी लिया है और उसमें 1 चिकन क्यूब डाल रही हूँ। सो अभी ये हो रहा है, अभी इसको होने दें ब्राउन, थोड़ा अच्छी तरह से ये रेड कलर इसका चला जाए मीट का। जब ये कलर चला जाएगा तो फिर इसमें सीजनिंग मैं डालूंगी।
देखें ऑलरेडी मीट टूट रहा है, इतना अच्छा है ये मीट कि आराम से उसके जो पीसेस जो है ना आपको गलाने की फिक्र नहीं है। चिकन क्यूब लिया था, उसे 2 टेबलस्पून पानी में डाला और इसमें डाल रही हूँ, साथ ही इसमें 1 टीस्पून सॉल्ट जा रहा है, 1 टीस्पून ब्लैक पेपर्स है मेरे पास, और ऑब्वियसली हमें मिर्चें पसंद है तो मैं क्रश पेपर्स इसमें डाल रही हूँ। अब जो मैंने ये प्याज ब्राउन करके रखी हुई थी ये इससे जा रही है पूरे, तो ये जो फेवरेट मेरे पास इस वक्त मौजूद थी वो ले ली मैंने। तो 1 मिनट के लिए मैं ढक दूंगी ताकि चीज़ अच्छी तरह मेल्ट हो जाए। चलिए 1 मिनट हो गया है, अब ये देखें चीज़ मेल्ट हो गई है, मैं इसे ऑफ कर दूंगी। चलिए जी, अब आपने क्या करना है, फाइनल स्टेज पे आ गए हैं और हमारी ब्रेड तो क्योंकि अभी तक वार्म है, क्योंकि अभी हमने आज ही बनाई थी, आपने इसे काटना है यूं करके। चलो ब्रेड देखें कितनी अच्छी और मज़े की है, अंदर से पूरी पक चुकी है। अब मैंने क्या करना है, अब इसको इस तरह रखना है और ये जो स्प्रेड मैंने बनाई थी इसको लिया अगर आपकी ब्रेड फ्रेश नहीं है तो आप इसको गर्म करके उस वक्त ये लगाएं, क्योंकि स्प्रेड ताकि बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाए। हमारी ब्रेड फ्रेश है तो मैं इसे इस वक्त गर्म नहीं कर रही हूँ। आपने निकालना है इसी तरह इसको पीसेस में, चलिए एक हो गया हमारा रेडी। आपने सॉस लिया, जो स्प्रेड बनाया हुआ है वो लिया, तो मैं तो आपको ओरिजिनल रेसिपी जो क्लासिक है वो बता रही हूँ, लेकिन आप चाहें तो इसमें हर तरह के वेजिटेबल्स जो भी आपको पसंद है, सैलड किसी भी किस्म का जो भी आप डाल सकते हैं इसमें। जैसे मैंने ये बनाया था प्याज, उस वक्त आप लास्ट में इसमें ग्रीन पेपर्स डाल सकते हैं, श्रेडेड लेटस डाल सकते हैं, टोमेटो डाल सकते हैं आप जब आप इसको एंड अप करें, तो ये आपके ऊपर है कि जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो आप इसमें डालें। और उस जहर के मुंह में अभी से पानी आ रहा है। अब ये देखें ये कितना हैवी और मजेदार लग रहा है, जहर किसमें कम है उसमें और डाल देना, और जहर को क्योंकि बीफ और इस तरह की चीजें बहुत पसंद है। चलिए जी, मैं थोड़ी सी एक पे लेटस डाल रही हूँ श्रेड की हुई, काट लेते हैं हाफ, हाँ।
देखिए कितना अच्छा और जूसी सा लग रहा है उजैर तुम्हारी बाइट। बिस्मिल्लाह। सर मुंह गंदा हो गया। सो गुड। आप जाके इसको रेसिपी को ट्राई प्लीज जरूर करें। इतनी मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान सी है। ब्रेड अगर आपको घर पे नहीं बनानी, आप बाहर से ले लें ब्रेड, और फिली जो स्टफिंग है वो खुद से तैयार कर लें। चैनल को जाके लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज।